नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बजाज कार्ड बना हुआ है तो कैसे दोस्तों आप उसमें उसकी लिमिट चेक कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि बजाज कार्ड की दोस्तों लिमिट होती है, आप लिमिट से ज़्यादा उसकी शॉपिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसे आप पता लगा सकते हो कि आपके बजाज कार्ड की लिमिट कितनी है, कितनी लिमिट अभी बाकी है और दोस्तों अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की है किसी उस कार्ड से, तो कितनी लिमिट आपको इस बजाज कार्ड की तरफ से मिली है, जैसे दोस्तों आपको अंदाजा लग सके कि आप कितने रुपए तक की शॉपिंग बजाज कार्ड से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका लाइव दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में बजाज वॉलेट वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप इसमें अपना बजाज कार्ड दे सकते हो, तो आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हो। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, ये बजाज कार्ड का बॉक्स बना हुआ आ रहा है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ का बजाज कार्ड शो होगा। और दोस्तों नीचे दोस्तों देखिए, ये आपके बजाज कार्ड की लिमिट है। ये दोस्तों मेरी अवेलेबल लिमिट है 50,000 रुपये, क्योंकि दोस्तों मेरे बजाज कार्ड है, मुझे 50,000 तक की लिमिट मिली है और मेरे ऊपर अभी कोई भी लोन नहीं चल रहा बजाज की तरफ से, इसलिए दोस्तों मेरे ऊपर पूरी लिमिट बाकी है। और दोस्तों आप अपने मोबाइल में दोस्तों, आप अगर आपकी लिमिट कम है और आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। आपको नीचे करना है स्क्रॉल डाउन और आपके ऊपर जो भी लोन चल रहे होंगे जिसमें दोस्तों जितनी किस्त बाकी होंगी या पूरी हो गई होंगी वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगी कि किस लोन में दोस्तों आपकी कितनी किस्त हैं और कितनी बाकी हैं। दोस्तों मेरी सारी किस्त ख़त्म हो चुकी हैं, जो पुरानी किस्त चल रही थी, तो मेरी दोस्तों ये लिमिट है बजाज कार्ड की वो पूरी है अभी। तो मैं 50,000 रुपये तक की इस कार्ड से फिर भी दोस्तों शॉपिंग कर सकता हूँ ऑनलाइन या फिर दोस्तों ऑफलाइन। ये मेरे पास अभी 50,000 रुपये तक की लिमिट है। तो आप इस तरीके से अपने कार्ड की लिमिट चेक कर सकते हो कि आपके कार्ड में कितनी लिमिट आपको मिली है और कितनी दोस्तों लिमिट अभी बाकी है, और आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है तो उसमें कितनी किस्तें बाकी हैं और कितनी दोस्तों आपने भर दी हैं, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा कि आप अपने बजाज कार्ड की लिमिट कैसे चेक कर सकते हो, और दोस्तों आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके बजाज कार्ड की पूरी लिमिट दोस्तों जो होती है कितनी लिमिट आपको मिली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।